जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश के एग्ज़ाम ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लेकर के। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। तो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, फुल कोर्स जिसकी फी 4000 थी, अभी वही फी 1999 यानी 4000 रुपये जो फी पहले थी वह डिस्काउंट होकर के 1999 रुपये में। बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, नोट्स पीडीएफ मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी है। तो देर ना करें, जल्दी से एमकेसी का हिस्सा बने। तो चलिए बेटा, तो चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया है और फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या कह रहा है। सिनोनियम आपको सेलेक्ट करना है, किसका? इंडोलेंट का। इंडोलेंट का आपको सिनोनियम सेलेक्ट करना है। लेजी होगा, एक्सपेंसिव होगा, एक्टिव होगा या हैप्पी होगा। अगर हम बात करें इंडोलेंट मीन्स क्या होता है, इंडोलेंट मीन्स होता है आलसी होता है या फिर सुस्त होता है। इसी को अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं लेजी कह सकते हैं, या हम इसी को कहना चाहें तो हम इसी को श्लोगिस कह सकते हैं, या हम इसी को अगर कहना चाहें तो लेथार्जिक भी कह सकते हैं, और इसी को हम कहना चाहें तो आइडिल भी कह सकते हैं, और इसी को अगर हम कहना चाहें तो इनएक्टिव भी कह सकते हैं। सबकी मीनिंग क्या होता है? आलसी। तो यहाँ पर हमारा जो सिनोनियम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? लेजी हो जाएगा। लेजी मीन्स आलसी होता है। एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है? कीमती होता है, या हम इसी को महंगा कह सकते हैं, कॉस्टली या प्रीसियस कह सकते हैं। एक्टिव जो है यह इसका एंटोनियम हो जाएगा, सक्रिय जिसको कहते हैं, और हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश होता है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लेजी हो जाएगा इंडोलेंट का सिनोनियम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पर देखिए बेटा, वेस्ट जो आया है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और योर टाइम जो है ये यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है। तो इसका फार्मूला जो होता है, सबसे पहले लेट आएगा, लेट के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव आएगा, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद अगर नॉट का प्रयोग किया गया है एक्टिव में तो नॉट आएगा, और फिर बी का प्रयोग किया जाएगा, और बी के बाद में फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले लेट आएगा, तो देखें बेटा लेट आया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव योर टाइम आया है, फिर नॉट आएगा, यहाँ नॉट आएगा आया है, फिर बी आएगा, देखिए बी आया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म वेस्टेड। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा उसी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। तो ये एक्टिव वॉइस है, और इसका पैसिव जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। एंटोनियम सेलेक्ट करना है आपको, जनरस। जनरस मीन्स क्या होता है? उदार होता है, उदार होता है। इसी को हम दरिया दिल भी कहते हैं, और इसी को हम खर्चीला भी कह सकते हैं। जनरस का मतलब क्या होता है? खर्चीला होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एंटोनियम हो जाएगा वो स्टिंगी हो जाएगा। स्टिंगी मीन्स क्या होता है बेटा? कंजूस होता है। अगर हम इसी का
और एंटोनियम आपको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं बेटा फ्रूगल कह सकते हैं, या हम इसी को पार्सीमोनियस भी कह सकते हैं, पार्सीमोनियस कह सकते हैं, या हम इसी को और कहना चाहें तो हम इसको निगार्डली भी कह सकते हैं, या हम इसी को अगर कहना चाहें तो माइजरली भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जनरस का जो हमारा एंटोनियम हो जाएगा स्टिंगी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टोइक का मतलब होता है सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला, सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला, एक समान रहने वाला, इसको हम क्या कहेंगे स्टोइक कहेंगे। पुअर का मतलब गरीब और स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है विशेष होता है, इसी को हम पार्टिकुलर भी कह सकते हैं या स्पेशल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ये इडियम्स एंड फ्रेजेज आया हुआ है। थ्रू डस्ट इन वंस आईज, किसी की आंख में धूल झोंक देंगे, इसका मतलब आप उसको धोखा देंगे। तो थ्रू डस्ट इन वंस आईज, किसी की आंख में धूल झोंकने का मतलब है किसी को धोखा देना, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, किसी को धोखा देना होता है, तो 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाक्यांशों के लिए एक शब्द अपोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन मीन्स होता है पारिश्रमिक होता है, बिना वेतन के बिना पारिश्रमिक के जो पद होता है जो पोस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ऑनरेरी हो जाएगा, अवैतनिक हो जाएगा। अवैतनिक का मतलब क्या हो जाएगा, बिना वेतन का काम करने वाला, बिना पेमेंट सैलरी का काम करने वाला ऑनरेरी हो जाएगा। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक होता है, विलिंगली अपनी इच्छा से कार्य करने। साइन क्योर का मतलब क्या होता है, दायित्व विहीन पद होता है, दायित्व विहीन पद होता है, विहीन मतलब सैलरी तो आपको मिलेगी लेकिन पद नहीं होगा, मतलब कोई जिम्मेदारी आपके पास नहीं होगी, उसको कहेंगे साइन क्योर। इनवॉलंटरी मतलब क्या होता, अस्वैच्छिक बिना इच्छा के। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आ गया क्या, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है, किस वर्ड की मीनिंग जो है करेक्ट है। तो मिलेनियर की जो करेक्ट स्पेलिंग होगा ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आप लिखिए मिलियन, तो मिलियन हो गया, इसके बाद आप लिखिए एयर वायु, इसके बाद फिर ई जोड़ दीजिए, मिलियन एयर ई, मिलेनियर हु विल बी मिलेनियर, कौन बनेगा करोड़पति। तो मिलेनियर की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पी क्यू आर एस आ गया। देखिए पी क्यू आर एस का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है सेंटेंस डिसऑर्डर में होता है, अव्यवस्थित क्रम में होता है, तो उसको क्रमबद्ध करना होता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में फिर अप्लाई किया जाएगा वर्ब, और वर्ब के बाद में अप्लाई किया जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस में अरेंज कर देना होता है, वही पी क्यू आर एस होता है। अच्छा यहाँ देखिए द बुद्धा यहाँ पर सब्जेक्ट है, अब इसके बाद में यहाँ पर वर्ब आएगा, तो बुद्धा का जो वर्ब है ये हमारा ऑप्शन, ये वॉज अपोज्ड है ये वर्ब, यानी ये आर
वाला ऑप्शन सबसे पहले आएगा, द बुद्धा वॉज अपोज्ड टू ऑल दोज, यानी कि हमारा आर से ऑप्शन की शुरुआत होगी। तो आर किस में आया है, ये सी वाले ऑप्शन में आया है। तो इस प्रकार से आर पी क्यू एस हो जाएगा, सबसे पहले आर आएगा, इसके बाद फिर क्यू आएगा, सॉरी आर के बाद में पी आएगा, आर आएगा और आर के बाद में क्या आएगा, सेकंड रैंक में पी आएगा और फिर क्या आएगा, थर्ड पोजीशन में क्यू आएगा और फोर्थ पोजीशन में एस आएगा। तो ये सेंटेंस हमारा अरेंज्ड इस प्रकार से हो जाएगा, द बुद्धा वॉज अपोज्ड टू ऑल दोज हु हैड सेट व्यूज और क्लोज सिस्टम ऑफ थॉट। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा उसी हो जाएगा। अच्छा, हु देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एक नाउन और प्रोनाउन एंटीसीडेंट के रूप में आता है। तो दोज जो है यहाँ एंटीसीडेंट है और दोज के बारे में बताया जा रहा है हु हैड सेट व्यूज, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पर और 8 नंबर क्वेश्चन में है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, आई सेड टू माय फ्रेंड लेट अस स्पीक इंग्लिश। याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में लेट के साथ में अस आ गया है तो उसका सेंस जो होता है प्रस्ताव का होता है। तो प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में, सजेस्टेड टू में सेट टू को चेंज किया जाता है, यानी कि लेट के बाद में अस आया है तो जो सेड टू होगा, सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में चेंज किया जाएगा। क्योंकि लेट अस का सेंस में सलाह का सेंस होता है, प्रस्ताव सुझाव का सेंस होता है, तो आप देखेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड आना चाहिए और प्रपोज्ड और सजेस्टेड हमारा ऑप्शन केवल ए में आया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट ए हो जाएगा, आई प्रपोज टू माई फ्रेंड दैट वी शुड स्पीक इंग्लिश। ऑर्डर्ड नहीं होगा, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश लॉस्ट डैश बुक। अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहां पर सेलेक्ट करना है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद में हमेशा याद रखिएगा बेटा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, वन ऑफ के बाद में स्टूडेंट्स, यहाँ प्लूरल नाउन आया है लेकिन यहाँ पर कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हमारा कौन सा है, ये ए वाले ऑप्शन में है, हैज, और सिंगुलर प्रोनाउन यहाँ हिज है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज लॉस्ट हिज बुक। तो यहाँ पर ये जो हैज आया हुआ है ये वन के अकॉर्डिंग आया हुआ है और वन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगा और प्रोनाउन और वर्ब जो है वह एक ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई किए जाते हैं। तो 9 का हमारा ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन में, द सन डैश बिफोर आई डैश होम। याद रखिएगा, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी हैड और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो द सन Had set before I reached home, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट जो होगा वह बी वाला हो जाएगा। तो बिफोर के पहले हैड प्लस v3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हैड आया है और सेट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, सेट 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 होता है और यहाँ रीच्ड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है। तो 10 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले, सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान मेजर कलसी क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड, एयरफोर्स
2024। ऑफलाइन कोर्स की फी जो कि पहले 40,000 रुपए थी, अभी वो डिस्काउंट होकर के 15,000 रुपए 15,000 रुपीज हो गई है। तो 40,000 रुपए से सीधे डिस्काउंट 15,000 रुपए पर आ गया है डिस्काउंट होकर के। हमारी विशेषताएं क्या है, रिटर्न होगा, फिजिकल सेशन होगा, एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, मेडिकल कैंप होगा, स्टडी मटेरियल होगा और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है और कॉल करें 9696330003 पर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन, इफ आई डैश मनी आई डैश आकार। याद रखिएगा अगर इफ के साथ में हैड आया है और हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो आगे जो मेन क्लॉज होगा वहां पर वुड हैव का प्रयोग किया जाएगा और वुड हैव के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए हैड प्लस V3 आना चाहिए तो ये हमारा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। जरा देखिए कैसे हो जाएगा, इफ के बाद में सबसे पहले हैड आएगा और हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर दो बार हैड आया है तो पहला हैड जो होता है बेटा वो हेल्पिंग वर्ब होता है और बाद वाला हैड जो होता है वो हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो हैड और हैड यहां आ गया V3, अब आगे वुड हैव आएगा और V3 आएगा तो बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। तो इफ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव बॉट अ कार, तो 11 का हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा हैव प्रेजेंट है, प्रेजेंट के साथ वुड पास्ट नहीं आएगा, हैड पास्ट है तो यहाँ पास्ट के साथ फ्यूचर नहीं आएगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। अब हम चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पर और 12 नंबर क्वेश्चन में ईच स्टूडेंट एंड टीचर गिव। आप हमेशा याद रखिएगा अगर किसी भी सेंटेंस में ईच या एवरी का प्रयोग किया गया है तो याद रखिएगा उसके बाद में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करना है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ईच स्टूडेंट एंड टीचर गेव हिज बेस्ट हो जाएगा। तो ईच और एवरी के बाद सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हिज हो जाएगा। देयर प्लूरल है, वंस होगा नहीं, नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, नथिंग बट ट्रीज। हमेशा याद रखिएगा नथिंग के बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो नथिंग के बाद में सिंगुलर वर्ब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा, नथिंग बट ट्रीज वाज सीन देयर, कुछ नहीं बल्कि वृक्ष या पेड़ पौधे ही वहां देखे गए। तो नथिंग के बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में मैन इज मॉर्टल, मैन का प्रयोग जब व्यापक संस में किया जाएगा तब वहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मैन इज मॉर्टल, तो यहां पर नो आर्टिकल हो जाएगा। मानव जो है मरणशील होता है तो सभी मानव की बात की जा रही है तो इसलिए यहां पर नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम विद MKC पब्लिकेशंस बुक 25% का डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ऑनलाइन डिलीवरी है, ट्रैक योर ऑर्डर है, सिक्योर पेमेंट है और अभी ऑर्डर करें और बेहतर प्रदर्शन करें और वर्दी पाएं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा स्पॉट द एरर है, माय सिस्टर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज कम टू विजिट अस। अब जरा देखिएगा
यहां पर ये जो आया है लिब जो वर्ब आया है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये सिस्टर इन लॉ के अकॉर्डिंग आएगा। तो हु के बाद में जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है हु के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो यहां सिस्टर इन लॉ ये हमारा सिंगुलर नाउन है या हम इसी को सिंगुलर सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब लाइव्स का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन एरर हमारा कहां है, बी पार्ट में है। क्लियर, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पॉटिंग एरर का ही है। द पीएम इज प्रेसाइडिंग एट G20 समिट। तो प्रेसाइडिंग के साथ में ओवर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रेसाइड ओवर मीन्स होता है अध्यक्षता करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना प्रेसाइड के साथ में ओवर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो एरर में यहां प्रेपोजिशन में है, यहां एट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो 16 में एरर हमारा कहां है, बी पार्ट में है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पैसेज है। ध्यान से पैसेज को देखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स कन्फ्रॉन्टिंग आवर कंट्री इज दैट ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमारे देश में जितनी भी गंभीर समस्याएं हैं उनमें से एक गंभीर समस्या जो है जनसंख्या की वृद्धि है। In fact, it is at the root of many other problems. और जनसंख्या वृद्धि जो है अन्य समस्याओं की जड़ भी है। At the moment, thanks to planning, we are able to produce food and clothes sufficient for our people and even in some excess. योजना आयोग प्लानिंग को धन्यवाद हम लोग देते हैं कि योजना आयोग के परिणाम स्वरूप हम लोग पर्याप्त मात्रा में आवास भोजन और कपड़ा को क्या करने के लिए प्रोड्यूस उत्पन्न करने के योग्य हैं, और कहीं कहीं आवश्यकता से अधिक भी रोटी कपड़ा और मकान के संसाधन या सुविधाएं हैं। बट इफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो एट दिस रेट, और अगर इसी दर से जनसंख्या बढ़ती रही, इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर द सरप्लस टर्न्स इनटू अ बेयर मिनिमम एंड इवन अ डेफिसिट। तो हमारे जो संसाधन है रोटी कपड़ा और मकान जो है वो कम हो जाएंगे, संसाधनों की कमी हो जाएगी। The position in regard to accommodation is even now far from satisfactory in spite of our efforts. और हमारे प्रयास के परिणाम स्वरूप जो आवास accommodation means क्या होता है, आवास की जो स्थिति है वह असंतोषजनक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पर चलेंगे। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर में, इट इज एट द रूट ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स मीन्स दैट इट गिव्स राइज टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स। तो कहने का मतलब यह है कि जो जनसंख्या वृद्धि है वह अन्य समस्याओं को भी जन्म देती है। तो हमारा 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इट इज फाउंड अलॉन्ग विद मेनी अदर प्रॉब्लम्स ये नहीं होगा। इट इज कॉज्ड बाय मेनी अदर प्रॉब्लम्स ये भी नहीं होगा। इट इज बरीड अंडर मेनी अदर प्रॉब्लम्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 18 नंबर, द प्रेजेंट सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन इन रिगार्ड टू फूड एंड क्लॉथ इज ड्यू टू। तो भोजन और आवास की, यानी कि फूड का मतलब भोजन और क्लॉथ का मतलब कपड़े की जो संतोषजनक स्थिति वर्तमान समय में है वह किसके कारण है, तो वह हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के कारण है, इनके सर्जन से है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग, वहां प्लानिंग आया हुआ है योजना आयोग के द्वारा है, ठीक ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। द फैक्ट दैट द पॉपुलेशन हैज बीन कंट्रोल्ड नहीं होगा, आवर गुड लक या गुड रेनफॉल नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, इफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट दिस रेट द सिचुएशन इन रिगार्ड टू फूड एंड क्लॉथ। अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो याद रखिएगा भोजन और कपड़े की स्थिति क्या हो जाएगी, इज लाइकली टू रिमेन द सेम,
ये नहीं होगा, इज लाइकली टू बिकम लेस सेटिस्फैक्ट्री, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, उसकी स्थिति जो हो जाएगी वह असंतोषजनक हो जाएगी, असंतोषजनक स्थिति हो जाएगी। किसकी? फूड, भोजन की, और क्लॉथ मतलब कपड़े की जो कंडीशन है वह कम हो जाएगी और असंतोषजनक स्थिति हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सिचुएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि आवास के संदर्भ में स्थिति कैसी हो जाएगी, इज लेस देन सेटिस्फैक्ट्री, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, इज इंप्रूविंग रैपिडली, इज द रिजल्ट ऑफ टोटल डिसरिगार्ड। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह ए हो जाएगा, इज लेस देन सेटिस्फैक्ट्री, मतलब असंतोषजनक स्थिति में हो जाएगा। तो 20 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आवास के संबंध में स्थिति जो है असंतोषजनक हो जाएगी, असंतोषजनक स्थिति में हो जाएगी। इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, इज इंप्रूविंग रैपिडली नहीं होगा, इज द रिजल्ट ऑफ टोटल निग्लेक्ट नहीं होगा। ओके, तो चलें बेटा लास्ट में एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और मात्र कितने में? मात्र 199 रुपीस में, मात्र 199 रुपए से शुरू होगा। नोटिफिकेशन, हेल्प डेस्क, प्रोफाइल, स्कोर, टेस्ट, कॉल करें 9696330033 पर, 9696220022 पर। तो आप आएं और एमकेसी ज्वाइन करें और बेहतर रिजल्ट पाएं, 100% सिलेक्शन पाएं। तो आप सभी लोगों को जय हिंद।